बाउलोग हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 के दौरान जितने टारगेरियंस के चर्चे नहीं रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा उनके ड्रैगन्स के चर्चे रहे हैं। और लिटरली लोग इस वेब शो को प्यार इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि ड्रैगन्स भी इसमें देखने को मिलते हैं। तो भाई सीजन 2 में बहुत से ड्रैगन्स का मेंशन हुआ है जिसमें वाइल्ड ड्रैगन ने अलग ही चर्चे में अपना हिस्सा ले रखा था कि इनको कौन क्लेम करेगा या फिर ये किसके कब्जे में आएंगे, ये पार्टिसिपेट वॉर में करेंगे या नहीं करेंगे, ये कितने पावरफुल है, ये मतलब जबरदस्ती अजम्पशंस कि भाई ये इससे भिड़ जाए या वेगार से भिड़ जाए, कैनिबल इससे भिड़ जाए, कैनिबल कितना बड़ा साइज का है। तो अभी सारी चीजों पर बात करेंगे क्योंकि आज 3 वाइल्ड ड्रैगन के बारे में ही चर्चा करेंगे फटाफट। कैनिबल, शिप स्टीलर एंड ग्रे घोस्ट, ये 3 वाइल्ड ड्रैगन है, इनके नाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई दे कॉल्ड वाइल्ड, क्योंकि ये तीनों ड्रैगन वर्जिन हैं राइडर्स के मामले में, कोई भी राइडर नहीं रहा है इनका पूरी लाइफ में। अनकंट्रोलेबल है, पालतू नहीं बना सकते, डिसिप्लिन नहीं है और कट्टरता तो इनके रग रग में भरी है। दैट्स व्हाई दे कॉल्ड वाइल्ड। फर्स्ट है कैनिबल जो लगभग 250 साल पुराना है। कहा यहां तक जाता है कि बाय द पीपल ऑफ ड्रैगन स्टोन कि ये पहले से ही ड्रैगन स्टोन पर मौजूद था जब एनआर टारगेरियन अपने 5 ड्रैगन को लेकर आया था, उससे पहले ही कई बार देखने को मिला था। लास्ट ईयर ड्रैगन 132 एसी के टाइम पर देखा गया था। वाइल्ड ड्रैगन में सबसे बड़ा ड्रैगन है, थोड़ा बौना साइज का है, कोयले की तरह काला है, आंखें हरी है और आग भी हरी ही उगलता है। बहुत बहुत ज्यादा खूंखार है और बहुत ज्यादा क्रूअल भी है। अपनी ही स्पीसीज को खा जाता है, खासकर यंग एडल्ट ड्रैगन का शिकार करना इसे काफी पसंद है। उनके बच्चों को भी खा जाता है, उनके अंडों को भी खा जाता है। दैट्स व्हाई ही कॉल्ड कैनिबल। बहुत कुछ इसके बारे में रिकॉर्ड नहीं है लेकिन डांस ऑफ द ड्रैगन सिविल वॉर में ये पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करेगा। सेकंड है शिप स्टीलर, काफी चटोरा ड्रैगन खा जाता है जिसे मटन बहुत ज्यादा पसंद है, खासकर शीप्स। और इतना ज्यादा वाइल्ड और क्रूएल ड्रैगन है कि खाना इसे थोड़ा ही होता है लेकिन शीप्स के झुंड तक को जला डालता है, पूरे झुंड को। लंबी गर्दन है, लगभग 100 साल पुराना ड्रैगन है, ये भी अनडिसिप्लिन्ड है, अनटेमेबल ड्रैगन है, लेकिन डांस ऑफ द ड्रैगन्स में एकमात्र यही है जो पार्टिसिपेट करेगा। लाइफ टाइम में सिर्फ इसका एक ही राइडर है। बुक्स के अकॉर्डिंग बास्टर्ड गर्ल नेटल्स है लेकिन हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 में रेना टारगेरियन इसे क्लेम करने वाली है, सेकंड डॉटर ऑफ डेमन टारगेरियन। मिट्टी की तरह मटमैला दिखता है, काफी अग्रेसिव ड्रैगन है, ब्लैक्स के लिए काफी हेल्पफुल ड्रैगन रहेगा इन एवरी बैटल, बहुत हेल्प करता है ये सारी बैटल्स में, उनको एसोसिएट करता है काफी, मतलब काफी बैटल को जीतने के लिए। गॉड साई बैटल में भी डेमन को एसोसिएट करेगा ये ड्रैगन, शिप स्टीलर, वेगार को हराने के लिए। थर्ड है ग्रे घोस्ट ड्रैगन, इसके बारे में बहुत कुछ रिकॉर्ड में नहीं है, कब पैदा हुआ, कितनी उम्र का था, नोबडी नोज, लेकिन हाँ यंग एडल्ट में काउंट करा जाता है, लोग इसे यंग एडल्ट में काउंट करते हैं। खाने में इसे मच्छियां बहुत पसंद है। पेल ग्रे व्हाइट दिखने का वाला ये ड्रैगन थोड़ा थोड़ा सिल्वर रंग का भी दिखता था, काफी शर्मिला ड्रैगन मानते थे इसे क्योंकि ये लोगों की नजरों से हमेशा बच के रहता था, हाई फ्लाई करता था बादलों के ऊपर से ही ताकि लोग इसे देख ना पाए और कभी भी नीचे मतलब जमीन की सतह से थोड़े ऊपर कभी भी ये फ्लाई करते नजर नहीं आया है। पूरी लाइफ राइडर लेस रहा है, काफी वाइल्ड एंड कट्टर स्वभाव का ड्रैगन था। डांस ऑफ द ड्रैगन्स के टाइम पे ड्रैगन से भिड़ के, किसी भी एक ड्रैगन से भिड़ के इसकी मौत हो गई थी, जो ड्रैगन स्टोन के लोकल लोगों द्वारा कहा जाता है। सम ऑफ देम सेज कि इट वाज कैनिबल और सम ऑफ देम सेज इट वाज सनफायर, जिसने इसे मारा, मतलब इन दोनों में से कोई एक ड्रैगन है जो इसे मारता है अकॉर्डिंग टू बुक्स।